भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप इन दिनों शिमला जिला में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कोटखाई में आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लेते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिसके लिए जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कांग्रेस भले केंद्र से भेजे गए पैसे का श्रेय लेना चाहे, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 1800 करोड़ रुपए भेजे, पर उसमें भी कांग्रेस ने कुछ चयनित लोगों को ही मदद दी। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चहेतों को केंद्र से आई राशि बांटी, जबकि जरूरतमंदों को 1 रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 2 SDM कार्यालय, 1 BDO दफ्तर, 1 फायर सब स्टेशन, 1 तहसील दी थी, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा स्थानांतरित व बंद करने का कार्य किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता घर घर वोट मांगने जाएंगे तो जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। 5 साल तक हमारी सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया ऐतिहासिक है। 68 विधानसभा क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हुए और जुब्बल राम वोट खरीद एक एग्जाम्पल है उसका। मैंने नहीं आज तक अभी तक देखा कि एक दिन में 2 SDM के कारण BDO का दफ्तर, फायर का सब स्टेशन, तहसील, किसी एक रैली में, एक कार्यक्रम में इतने सारे संस्थान, और ये केवल घोषणा नहीं थी कि वो घोषणा की, वो सारे के सारे संस्थान चलाए।